नेक्स्ट वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 16 इन फूरियर ट्रांसफॉर्म. इन दिस क्वेश्चन फाइंड एफ एक्स व्हेन एफ एस पी. एफ एस पी मीन्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. एफ एस पी इक्वल टू पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर मीन्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. ये गिवन है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. तो एफ एस पी की वैल्यू गिवन है और एफ एक्स फाइंड आउट करना है. एफ एक्स फाइंड आउट करना है मीन्स इन्वर्सन थ्योरम को यूज करोगे. बाई इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, देखो सबसे फर्स्ट यदि इसको डिफाइन करो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. इसको नोटेशन एफ एस पी से डिनोट करोगे, ठीक है. तो ये अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है. इसी तरह डिफाइन करते हो बाई डेफिनेशन ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव एफ एस पी इक्वल टू दिस. बाय इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, इन्वर्सन थ्योरम की बात हो रही है मीन्स एफ एक्स फाइंड आउट करोगे. तो ये एच एट एच लिमिट्स एच एट एच, ठीक है. एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स डी पी. एक्स वेरिएबल है देन डी पी. एफ एस पी गिवन है अपने को, ठीक है. एफ एस पी की वैल्यू पुट करो अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट एफ एस पी पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर साइन पी एक्स डी पी, ठीक है. अब देखो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, पी स्क्वायर है यहाँ पर तो इसको सबसे फर्स्ट तो पी से इंटू और पी से डिवाइड कर दो, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में करोगे सभी पी से इंटू और पी से डिवाइड कर दिया, ठीक है. इसमें प्लस वन करो और माइनस वन करो तो इससे देखो ये टर्म अपना आएगा नेक्स्ट यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट पी स्क्वायर प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा. इसको टू पार्ट्स में कर लो इस तरह से, देखो वन अपॉन पी और वन माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन पी एक्स डी पी. तो इससे देखो क्या क्या टर्म्स आएंगे, टू टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा ये वन अपॉन पी को वन अपॉन पी और इसको वन से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई एच इट इज माइनस अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन डी पी, ठीक है. क्लियर है सभी को. तो सिंपल एफ एस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए इन्वर्सन थ्योरम यूज करी, एफ एस पी की वैल्यू पुट करी, फिर सॉल्यूशन के लिए पी से इंटू पी से डिवाइड एंड देन प्लस वन एंड माइनस वन एंड देन डिवाइड इंटू सेपरेट पार्ट्स. अब यहाँ पर इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है. इसका जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि व्हेन पी इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है. तो ये तो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई इन टू पाई बाई टू. किस केस में, व्हेन पी इज ग्रेटर देन जीरो. इसको एज इट इज रखो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो, ठीक है. यहाँ रीजन दे सकते हो कि जीरो टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी इक्वल टू पाई बाई टू पी इज ग्रेटर देन जीरो.
तो ये अपना किसका वैल्यू चल रहा है, एफ एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, टू टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, मीन्स डी एफ अपॉन डी एक्स, एंड नेक्स्ट वी गेट डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पी के एक्स के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये बहुत। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और इसका करो साइन पी एक्स कोस पी एक्स इंटू पी अपॉन पी इंटू वन प्लस पी स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसका हो जाएगा एक्स का वन हो गया और पी एच एट एच डी पी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड ले लो, हो सकता है ये इससे, ये जो इक्वेशन थी ये यूज आए, चलो बाद में देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मार्क कर लो इसको, नेक्स्ट वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोस पी एक्स का माइनस साइन पी एक्स होगा तो साइन तो प्लस करो, साइन पी एक्स इंटू पी तो पी स्क्वायर अपॉन पी इंटू वन प्लस पी स्क्वायर डी पी, पी की वन पावर कैंसिल करो तो ये टर्म आ गई अपने पास अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट साइन पी इंटू साइन पी एक्स, पी इंटू साइन पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। देखो ये अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी जगह, अपने पास ये टर्म था इससे जस्ट पहले जिसमें सिंपल मीन्स, ये देखो इसको एक स्टेप ले लो यहीं पे, अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट एफ एस पी की वैल्यू पुट की थी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन पी एक्स डी पी, ठीक है। फिर इसमें पी से इंटू पी से डिवाइड किया था और प्लस वन माइनस वन किया था तो ये स्टेप आया था अपना, क्यों? तो यहाँ से इसको इक्वेशन ले लो कैपिटल ए, तो ये इक्वेशन आ रही है अपनी, ये भाई पी इंटू साइन पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये एच एट इज है, लिमिट्स एच एट इज है, तो मीन्स इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो एफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, इसलिए वहाँ पर उसको मार्क करना जरूरी है। डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स डी टू एफ माइनस एफ इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स बन रही है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोफिशियंट वन है तो विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, मीन्स इसके सॉल्यूशन के लिए कैसे सॉल्व करोगे। पहले भी एक एग्जांपल आया था, इसमें फर्स्ट वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जीरो है देन क्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा, ओनली फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन फाइंड आउट करो डी को एम से रिप्लेस करके, ठीक है, तो फाइंड आउट करो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, देन उसके नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन थर्ड मार्क कर लेना जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू एफ इक्वल टू जीरो, इससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग रियल वैल्यूज हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन इंटू
ए रेस टू द पावर एक्स प्लस सी टू इंटू ए रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड आर एफ एक्स इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये तो जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स ही आ गया अपना। इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट एम क्या होगा, कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इनकी जो भी वैल्यू आएंगी उसको इसमें पुट करेंगे, देन वी गेट एफ एक्स या वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ, अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी एफ अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा सी वन ई रेस टू द पावर एक्स माइनस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। इक्वेशन नंबर फिफ्थ, अब देखो इनमें पुट करोगे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ये सभी वन हो जाएंगे और सी वन और सी टू में इक्वेशन आएगी, ठीक है। और देखो एक्स इक्वल टू जीरो इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ गई सी वन प्लस सी टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये एफ एक्स की वैल्यू है और एफ एक्स की वैल्यू ही अपना इक्वेशन फर्स्ट में आ रही थी, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई और यहाँ से अंडर रूट पाई अपॉन टू, तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन टू, इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट वी गेट सी वन प्लस सी टू इक्वल टू एफ एक्स एंड फर्स्ट में पुट करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन टू, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसलिए सी वन प्लस सी टू, तो ये सी वन और सी टू में इक्वेशन आ गई अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन टू। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है, नाउ अब ये डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन फिफ्थ एंड देखो अब फिफ्थ में पुट करोगे तो ये डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा सी वन माइनस सी टू इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। और देखो डी एफ अपॉन डी एक्स अपने पास इक्वेशन सेकंड में है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में ही है डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो इसमें पुट कर दो एक एक्स इक्वल टू जीरो तो ये कोस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म जो माइनस अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट पी अपॉन पी, तो देखो कैंसिल ही हो रहा है, तो डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, कर दो सॉल्व इसको, तो इक्वेशन सेकंड से ये हो गया, ठीक है, इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये माइनस अंडर रूट पाई अपॉन टू के इक्वल हो गया, तो डी एफ अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ से सी वन माइनस सी टू इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन टू। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेवेंथ, अब सी वन और सी टू में टू कॉन्स्टेंट हैं, टू इक्वेशंस हैं, इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम सिक्स एंड सेवेंथ, सॉल्व कर लोगे सभी, ऐड कर लो इनको एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल होगा, ट्वाइस सी वन इक्वल टू जीरो आएगा तो उससे सी वन इक्वल टू जीरो और सी वन इक्वल टू जीरो है, देन सी टू इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन टू, कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट हो गए, किस में पुट करोगे इन कॉन्स्टेंट्स को, इक्वेशन नंबर फोर्थ, यही है अपना मेन इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो ये है अपनी मेन इक्वेशन, तो इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दो, C1 जीरो है ओनली C2 पुट करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ
एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये अपना एफ एक्स फाइंड आउट हो गया। तो एफ एस पी की वैल्यू गिवन थी और एफ एक्स फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए सॉल्यूशन करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की एंड देन वी फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इजी है, इजीली कर सकते हो, बट मेथड स्टेप्स पता होना चाहिए कि हाँ हमें कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है। एग्जाम्पल 14 और 16 हो गया, कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 15 था, आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 बिल्कुल 14 एग्जाम्पल जैसे किया था उसी के उसी पर बेस्ड, सिंपल वैसे ही उसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, सिंपल स्टेप्स हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम, मैम ये स्टेप सॉल्व नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो एग्जाम्पल 1 to 16 इसके कंप्लीट हो गए, तो सभी अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और रफली सॉल्यूशंस करके देखोगे, डेफिनेशंस और ये सब लर्न होना चाहिए सबको।